महिलाएं कौन सी पांच पोजीशन पसंद करती है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई औरतें कोऑपरेट नहीं करती, वो ना बोलती है, रिफ्यूज़ करती है। इसका शायद पहला कारण ये होता है कि भाई उनको मजा ही नहीं आती, उन्होंने कभी एंजॉय नहीं किया सेक्स, उनको कभी ऑर्गेज्म आया नहीं, वो सेक्सुअल चरम सीमा पे पहुंची नहीं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि भाई उनको पूछो कि भाई कौन सी पोजीशन, सेक्स पोजीशन आपको अच्छी लगती है, और वो पूछते हैं और वो सेक्स पोजीशन आप करते तो डेफिनेटली वो एंजॉय कर सकेंगे। तो सेक्स पोजीशन कोई भी हो, उसके पहले ज़रूरी है कि आप फोरप्ले करें, क्लाइटोरिस को स्टिम्युलेट करें, फिंगरिंग करें। काफ़ी सारी एक्साइटमेंट आने के बाद में, काफ़ी सारा गिलापन आने के बाद में सेक्स करें। तभी कौन सी पांच पोजीशन है जो औरतें बहुत ज़्यादा लाइक करती है, तो पहली पोजीशन है मिशनरी पोजीशन, मतलब जो आम लोग करते रहते हैं कि फीमेल नीचे है और मेल ऑन टॉप पोजीशन है, और मेल ऊपर है फीमेल नीचे है, मेल के हाथों के ऊपर पूरा प्रेशर आता है और वो करती है। अभी इसमें फ़ायदा यह है कि औरत की इच्छा भी ना हो, उसको पैसिव पार्टनर करके रहना है, उसकी ऐसी इच्छा है कि चलो अपने मेल पार्टनर को, अपने पति को खुश करना है, खुद की इच्छा भी नहीं है, तभी भी वो इसमें खुद हाँ बोल सकती है, कोऑपरेट कर सकती है, तो उनको अच्छा लगता है, कोई करना ही नहीं है, सिर्फ जो भी करना है वो मेल ने करना है, और उनको ये पोजीशन अच्छी लगती है। जिनकी इच्छा नहीं है या जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो ये बेस्ट पोजीशन है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। दूसरा जो है वो है फीमेल ऑन टॉप पोजीशन या फीमेल सुपीरियर पोजीशन। ये पोजीशन औरतों को अच्छी लगती है, वो औरतें जो बहुत एक्टिव है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहती है, एक्टिवली हिस्सा लेना चाहती है, जिसमें मेल पार्टनर पुरुष जो है वो नीचे है और औरत ऊपर से आ रही है और अपने हाथ से वो लिंग को अंदर ढकेल रही है और खुद हिला रही है, खुद स्ट्रोक दे रही है, तो इसमें वो जैसा चाहे वैसा वो अपने आप को स्टिमुलेट कर सकती है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ वो स्टिमुलेट कर सकती है और बहुत एंजॉय कर सकती है। इसमें धोखा यही है कि कभी ज़्यादा ही फोर्सफुली हो गया तो पेनिस को, मतलब लिंग को कोई तकलीफ हो सकती है। इसमें औरतें जो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना चाहती है, तो वो उसमें बहुत एंजॉय करती है, और ये यदि बोलती है कि नहीं मुझे वो करना पसंद है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन करने को पुरुष ने तैयार होना चाहिए। अच्छा, ये पोजीशन में जो औरतों का बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा फैट है, वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, तो वो औरतें पसंद नहीं करती, क्योंकि इसमें एक्टिवली औरतों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तीसरा पोजीशन जो है वो है टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन में क्या होता है कि लड़की जो है वो एकदम टेबल के आखिरी तक, आखिरी कोने तक आती है, उसके पैर नीचे है, वो टेबल के ऊपर सोई हुई है या कॉट के ऊपर सोई हुई है, जो भी लड़का उसके सामने खड़ा है, और उसका इरेक्शन आके वो वजाइना में पेनेट्रेट करता है। अब इसमें जो लोगों को ज़्यादा कठोरता नहीं आती है वो ये पसंद नहीं करेंगे, लड़के लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा कठोरता आना जरूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर पेनेट्रेशन भी होता नहीं है। जैसा मिशनरी पोजीशन में क्या होता है कि हाथ के ऊपर प्रेशर आता है लड़के का, और बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर सकता है वो, जितना चाहे उतना अंदर इंसर्शन पॉसिबल है। टेबल टॉप पोजीशन में इतना इंसर्शन पॉसिबल नहीं होता है, मगर ये पोजीशन लड़कियों को पसंद है, क्योंकि वो उनको क्लाइटोरिस को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है ये पोजीशन में, और इसके वजह से उसको, लड़की को बहुत इसमें मजा आती है। तो ये टेबल टॉप पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन है। चौथी जो पोजीशन है वो है साइडवेज पोजीशन। अब साइडवेज में क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे के सामने फेस करके सोते हैं लैटरल पोजीशन में, और लैटरल पोजीशन में वो इंसर्ट करते हैं। अभी इसमें क्या है कि इसमें किसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं है, परफॉर्मेंस का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ना लड़के को है ना लड़की को है, मतलब परफॉर्मेंस का प्रेशर, और इसमें जोड़ों का दर्द है किसको तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आता है। फैट यदि ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब पेट के ऊपर यदि फैट है, लड़के का फैट है और लड़की का फैट, मतलब फैटी जो लोग हैं उनको ये पोजीशन जमती नहीं है, मगर जिनका फैट ज़्यादा नहीं उनको ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत एंजॉय भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में आके
वो ये पोजीशन एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियां ये पोजीशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, और जो यंग लड़कियां हैं वो ज़्यादा पसंद करती है साइडवेज पोजीशन या आमने सामने सोके पोजीशन। पांचवी जो पोजीशन है वो है डॉगी पोजीशन। डॉगी पोजीशन क्या है कि घुटनों के ऊपर लड़की सोती है, मतलब घुटनों के ऊपर ऐसी रहती है, और लड़का जो है पीछे से आता है, और पीछे से आके वो वजाना में योनि में लिंग का इंसर्शन करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो औरत उनको प्रेगनेंसी है या जिनका बहुत ज़्यादा फैट है, तो वो क्या कर सकती है कि ये डॉगी पोजीशन को अच्छी लगती है, वो पेट के तले पेट के नीचे तकिया ले सकती है, और तकिया लेके इंसर्शन करने के लिए सपोर्ट कर सकती है लड़के को या पुरुष को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आदमी पीछे से आता है, और पीछे से आने के बाद में फिर उसको वो भी एंजॉय कर सकता है जितना चाहे उतना। ये पोजीशन में क्या होता है कि ये पोजीशन में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन जब ज़्यादा होता है तो नेचुरली दोनों बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पोजीशन भी लड़कियाँ बहुत एंजॉय करती है, डॉगी पोजीशन जो है वो, और ये डॉगी पोजीशन भी करने से दोनों को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। अभी पांच पोजीशन जो मैंने बताई, इसमें से कौन सी अच्छी कौन सी खराब है ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग पोजीशन ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी पोजीशन से मेरे और कुछ वीडियोज़ है जिसमें मैंने काफ़ी अदर पोजीशन के बारे में बताया हुआ है, और ये पोजीशंस जो भी आपने पूछना चाहिए अपने पार्टनर को कि भाई कौन सी पोजीशन आपको अच्छी लगती है, अलग अलग ट्राई करो, अलग पोजीशन में देखो जिसमें ज़्यादा एन्जॉयमेंट आता है वो करना चाहिए, और वो यदि करते हैं तो डेफिनेटली एन्जॉयमेंट अच्छा रहेगा और आपका सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत एन्जॉयबल रहेगा। इसके बारे में कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए तो केयर हॉस्पिटल का जो ऐप है आप डाउनलोड कर लो, हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें आपको दवाई के बारे में भी जानकारी मिलेंगी, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, और फिर जो भी दवाई चाहिए वो उचित दवाइयाँ आपको कोई भी केमिस्ट से मिल सकती है। फिर आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।